गुड आफ्टरनून, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो नाउ वैकेंसी अपडेशन इज गोइंग ऑन इन RRB, द वैकेंसीज बाय वन बैंक इन आंध्रा एंड वन बैंक इन जम्मू एंड कश्मीर, वैकेंसीज आर एडेड एंड नाउ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट हैज रिजन टू 5761, स्केल 1 3622, स्केल 2 एंड 3 875 एंड टोटल वैकेंसीज आर 10258. समटाइम वी फील से वैकेंसीज इन आंध्रा हैज इंक्रीज, द कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट सेज व्हाट इज गेन टू मी. समटाइम वैकेंसीज इन जम्मू कश्मीर इंक्रीजेज, द अदर स्टेट पीपल से व्हाट इज बेनिफिट टू मी. व्हेनेवर वैकेंसी इंक्रीजेज इन वन स्टेट, माइंड इट, the candidates those might have decided to shift to other states and raising the level of competition in other states, that will be released. So now these people will compete from their own state. So on one hand, this is good news for the people those belong to those states. This is also good news for the candidates of other states because their level of competition will increase. So as total vacancies increases, that definitely have a soothing effect on every candidate. So when we say it is a good news, it does not mean it is only good news for a particular state, it is also good news for every state person. Some are direct beneficiary, some are indirect beneficiary. God bless you all. Ab yahi baatein hum Hindi mein karenge. Do RRB ke bankon ne apni vacancy badhai hai, ek Andhra se hai aur ek Jammu Kashmir se hai. और ये वैकेंसी बढ़ने के बाद ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज टोटल हो गई है 5761, स्केल 1 की हो गई है 3622 और स्केल 2-3 की हो गई है 875 और टोटल वैकेंसीज हो गई हैं 10258. जब भी किसी स्टेट के बैंक की वैकेंसी बढ़ती है तो कई कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमें क्या फ़ायदा, ये तो उस स्टेट वालों को फ़ायदा हो गया. ऐसा नहीं है. जब किसी भी स्टेट की वैकेंसी बढ़ती है तो आप ये मानिए कि जो उस स्टेट के लोग हैं अब वो अपने ही स्टेट से अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट में आके शायद अप्लाई करते हैं. तो जैसे जैसे किसी भी स्टेट में वैकेंसी बढ़ती जाएंगी, उस स्टेट के लोगों को तो फ़ायदा है ही, दूसरे स्टेट के लोगों को इसलिए फ़ायदा है कि उनके स्टेट के अंदर जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी गिरेगा, बढ़ेगा नहीं. इसलिए हर वैकेंसी एडिशन हर कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है. किसी को सीधा फायदा है, किसी को इनडायरेक्ट फायदा है. पर यह कहना कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ऐसा सच नहीं है. क्योंकि अगर किसी स्टेट में वैकेंसी नहीं निकलती है तो वहाँ के कैंडिडेट दूसरे स्टेट में जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ कंपटीशन बढ़ता ही है. तो जब उस स्टेट में वैकेंसी बढ़ती चली जाएंगी तो नेचुरल है कि उसका जो प्रेशर है दूसरे स्टेट से भी घटता है. इसलिए इसको हम अच्छी खबर मानते हैं, गुड न्यूज़ में कवर करते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल.